नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जारी शिक्षक नियोजन में होने वाले बदलाव को लेकर के। बिहार में जब भी शिक्षक नियोजन की बात होती है, मनमानी की शिकायतें हमेशा देखने को मिलती है। कई ऐसे शिकायत तो आम बन चुके हैं जिसमें यह आरोप लगाए जाते रहे कि शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी और गड़बड़झाला बहुत देखने को मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग नियुक्ति के लिए बड़ा बदलाव करने पर सोच विचार कर रहा है। नियोजन में आने वाली तमाम तरह की लापरवाही की शिकायत दूर करने के लिए तैयारी विभाग की तरफ से की जा रही है। शिक्षा विभाग अपने स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव करने की पहल शुरू कर चुका है। शिक्षा विभाग की तैयारी को अमली जामा पहनाते ही शिक्षक नियुक्ति में मनमानी करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। विभाग अब कड़ी निगरानी के बीच शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी शुरू कर चुका है। खबरों की माने तो शिक्षा विभाग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लाने की तैयारी कर रहा है। नियोजन की पूरी प्रक्रिया कड़ी निगरानी में ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। केवल आवेदन ही नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन ही जारी करने की प्रक्रिया पर सोच विचार किया जा रहा है। जानकारों की माने तो शिक्षा विभाग शिक्षकों की नियुक्ति में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की तैयारी में दिख रहा है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने की पहल के साथ ही उक्त फैसला ले लिया गया है। वर्तमान समय की बात करें तो 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति में कुछ बदलाव देखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना हाईकोर्ट के आदेश से 94,000 प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर फिलहाल स्टे लगा हुआ है। न्यायालय की तरफ से हरी झंडी मिलते ही उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जाँच भी करवाई जाएगी और उसके बाद की नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। पहले की व्यवस्था की बात करें तो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही प्रमाण पत्र की जाँच की जाती थी। जानकारों का यह भी कहना है कि शिक्षक नियोजन की नियमावली में संशोधन में अभ्यर्थियों का भी ख्याल रखा जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में जो प्रक्रिया है उससे काफी समय शिक्षकों का भी बर्बाद हो जाता है। एक अभ्यर्थी को कई इकाइयों में आवेदन करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके कारण उनके पैसे भी काफी ज्यादा खर्च होते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लागू होने के बाद अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि पहले के प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया के नाम पर 2 साल इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के निर्देश पर पत्नी शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही कोविड-19 की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए CBSE ने भी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में पिछले साल जैसी कटौती करने पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। हालांकि अब तक पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाने की योजना है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसके बाद से विचार विमर्श किया जा सकता है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम पढ़ाई जा सकती है, इस पर मंथन हो रहा है और इस महीने के अंत तक सरकार इस पर कोई अहम फैसला सुना सकती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।